ओके सो वेलकम टू द रिमेनिंग वीडियो अपडेट्स ऑफ आर बाबरी आज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पेशावर। लास्ट टाइम वीडियो में हमने जो कवर किया था उसमें मेजॉरिटी कंटेंट सामने मेन पवेलियन का था और लेफ्ट साइड पे जो कुछ अपडेट्स थी और स्टेडियम के आउटसाइड वो हमने शेयर की थी। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी यहाँ पे ये शॉर्ट्स हाईलाइट्स हैं, ये देखें। जिन्होंने कल देख लिया उनको तो अंदाज़ा होगा, मैं ज़्यादा यहाँ पे पिछली वीडियो प्ले नहीं करूँगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। जो नए व्यूअर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो पिछली वाली वीडियो जाके देख लें, चैनल में अपलोड हुई है, उसमें मैंने ये सारी अपडेट्स डिस्कस की थी। आज हम इस स्टैंड से शुरू कर रहे हैं तो फाइनली इस स्टैंड के लिए भी अब काम शुरू हो चुका है, जिसका लोग कहते थे कि इसे क्यों कम्प्लीट नहीं कर रहे, इस तरह क्यों पड़ा हुआ है। तो इसके लिए सामने जो जितना भी सरिया वगैरह था यहाँ का स्टफ़ इसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो लाया जा रहा था, क्योंकि प्लाइयाँ वगैरह दूसरे स्टैंड पर लगी हुई थी तो जब उनसे फारिग हो जाती हैं तो इस स्टैंड पे लगा दी जाएंगी जितना भी शटरिंग के लिए सामान रिक्वायर्ड होता है। इस वीडियो में मेन पवेलियन के राइट साइड पे और एक दो स्टैंड्स ऐसे हैं जिनकी अपडेट्स मैंने पिछली वीडियो में शेयर नहीं की। इस वीडियो में मैं वो तमाम तर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि इस तरह मुझे कभी मौका नहीं मिल पाता अच्छे से आपको दिखाने के लिए, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और काइंडली लाइक कर दीजिएगा, मैं इतनी वीडियोज़ बना लेता हूँ तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। अच्छा, पवेलियन के पास जो टच स्टैंड है उसका तो मैंने आपको सब समझा दिया, लेकिन उसी के पास अगला जो स्टैंड है उसमें आप अपडेट देखें, कितनी स्टेयर्स बन गई हैं देखें। ये मैं काफ़ी दिनों बाद अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऊपर तक यहाँ तक पहुँचा दी गई हैं, थोड़ी सी जगह रहती है और फिर इस स्टैंड के लिए भी कॉलम का काम कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हुई कि स्टेयर्स काफ़ी बन गई हैं, इस स्टैंड पर भी हाफ से ज़्यादा पूरी हो गई है। देखें इसकी बाहर जो जगह है वो सिटी साइड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और ये टॉप से बाहर सिटी का व्यू। उस साइड पे ज़्यादा नहीं जाते, घर भी हो सकते हैं, सो पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इस स्टैंड की अपडेट भी मैंने शेयर कर दी आपके साथ प्रॉपरली। काफ़ी दिनों से मैंने डिटेल में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं ऊपर से आपको दिखा देता था जो बड़ा बड़ा काम होता था, लेकिन जो बारीक काम होता है छोटा छोटा वो आप देखते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है कि कितना काम हुआ है। अच्छा, तो अब मैं आपको इस वाले स्टैंड की डिटेल में अपडेट देता हूँ जो कि जिसको तैयार किया जा रहा है एक्सटर्नल ट्रसेस के लिए। मतलब तैयार क्या है, तैयार है, रेडी है। इवन देखें पहले ट्रस के लिए ऊपर जो इसका कैंची के लिए जिसे आप एक्सटर्नल ट्रस कहते हैं उसके लिए ऊपर सामान पहुंचाया हुआ है, और मैं ऊपर से यहां से आपको दिखाता हूं कि ये इसमें कितना काम हुआ है। इसमें स्टेयर्स भी काफ़ी बन गई हैं और आपको नज़दीक से कॉलम भी दिखा देता हूं। ये देखें ये पास ही पड़ा हुआ है, जल्द ही इस पर ये और बाकी ट्रसेस वो पड़े हुए हैं पवेलियन के पास ही, तो जल्दी इस पर ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ट्रसेस लगना मुश्किल नहीं होता, वो आसान होता है। वो ऐसा है कि जो सामने वाले ट्रसेस हैं उसमें जो एक दो लगे थे, फिर लोग पूछ रहे थे कि बाकी कब लगेंगे, तो बाकी उन्होंने एक दो दिन में लगा लिए थे, तो एक्सटर्नल ट्रसेस इंशाल्लाह जल्दी लग जाएंगी, बस रेडी करना उनको, तैयार करना, क्योंकि वो सामने आप देखें ये छोटे छोटे टुकड़ों से उनको वेल्ड किया जाता है और फिर इस तरह से पूरा एक ट्रस आपको देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको ऊपर से ये स्टैंड दिखा देता हूँ कि इसकी क्या अपडेट है और इसके कॉलम्स कैसे तैयार हुए हैं। अच्छा, ये हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं स्टैंड के, देखें ये कॉलम देख लें नज़दीक से, ये सारे फिल हो चुके हैं, रेडी हैं। और इस साइड वाला स्टैंड का इस साइड से व्यू देख लें, ये साइड भी अब रेडी हो रही है जो पवेलियन की राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे ज़्यादा काम हुआ था लेकिन अब राइट साइड भी रेडी हो रही है। इस स्टैंड की स्टेयर्स भी देख लें, यहाँ तक पहुँचा दी गई हैं और थोड़ी सी जगह रह गई है ये भी, तो स्टेयर्स का काम तकरीबन जितने भी स्टैंड्स बने हैं उनमें शुरू है। लाइक तो बनता है भाई, दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है, बट आपको अच्छे से व्यू भी देना पड़ता है। ये देखें ये सारे कॉलम्स रेडी हैं। कुछ इस तरह से इसके ऊपर फिर वो एक्सटर्नल ट्रस लगता है इन चार साइडों पे।
बाकी जो ट्रसेस और कॉलम्स के की डिटेल्स हैं वो तो मैं आपको पिछली वीडियोस में अच्छे से समझा चुका हूँ। जब वो सामने वाले स्टैंड पे एक्सटर्नल ट्रसेस लग रहे थे तो फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं बनेगी। और एक बंदा पूछ रहा था कि ये आखिरी वाला ट्रस जो है ये टेढ़ा लगा हुआ है, कुछ तरह का कमेंट किया था। भाई ये टेढ़ा नहीं है, ये गोलाई में है, इस तरह आपको इस जगह से ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये टेढ़ा नहीं है, ये ऐसे गोल स्टैंड आया हुआ है ना, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। अब वहाँ सामने से आप देखेंगे तो आपको ये सीधा दिखेगा, तो ये गोलाई में सारे इंस्टॉल होते हैं, इसलिए आपको ऐसा वीडियो में दिख रहा होता है, लेकिन ये इक्वल लेवल पे लगते हैं। अच्छा, इस स्टैंड पे एक्सटर्नल ट्रसेस एक साथ ऐसे भी लग जाएंगे ना, मैं आपको यहाँ से प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये देखें, हर एक कॉलम के ऊपर आपको ये ऊपर जो वो लोहे का नीचे लगता है एक्सटर्नल ट्रसेस के नीचे जो सपोर्ट होता है इसका, वो हर एक कॉलम के ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए, ये चार यहाँ पड़े हैं, चार यहाँ पड़े हैं, चार यहाँ पड़े हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे कॉलम्स पे एक्सटर्नल ट्रसेस जल्दी लग जाएंगे एक साथ ही, ये सामान ऊपर पहुँचाया हुआ है, देखिए सिर्फ ट्रसेस के रेडी होने का वेट है। अच्छा, इस स्टैंड की ये अपडेट है जो कि मेन पुलियन के जो लेफ़्ट साइड पे स्टैंड है जिसमें ट्रसेस लगी हैं उसके पास वाले की, कि उसमें ये बीच में आप देखें जहाँ पे बीम होता है उसके बीच में ये पूरा स्टील इन्फोर्समेंट का काम हुआ है, सरिया लगा हुआ है बीच बीच में, और मतलब इस पर अब सरिये के लगने का काम शुरू हो चुका है इस स्टैंड पे, जिसे स्टील इन्फोर्समेंट कहते हैं। ये देखें, सारा सरिया मंगवाया हुआ है, ये इकट्ठा कर दिया है, इंशाल्लाह अब ये विद इन वीक ये पूरा कंक्रीट हो जाएगा। और इसी तरह वो सामने वाला स्टैंड जो है जो मीडिया बॉक्स के पास है उसके लिए भी सरिया इकट्ठा किया जाएगा, तो पास ही इसको भी कंक्रीट कर दिया जाएगा। ये देखें, जितना भी स्टफ है यहाँ पे पड़ा हुआ है, बीच बीच में लगा हुआ है, वो सामने के स्टैंड की आपको एक प्रॉपर अपडेट देता हूँ, वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है वो आपको समझा देता हूँ, आइए हमारे साथ। ये जो स्टैंड है इसमें देखें, एक तो स्टेयर्स काफ़ी बन गई हैं और दूसरा इसके जो ऊपर कॉलम्स हैं जिसके ऊपर ट्रसेस लगते हैं उसके ऊपर भी आपको शटरिंग का काम दिख रहा होगा, सरिया लगा हुआ है ऊपर और इसके कॉलम्स भी तैयार किए जा रहे हैं, वो वाले तो रेडी हैं, उस पर अभी ट्रसेस लगेंगे। इन तमाम स्टैंड्स के लिए ये देखें यहाँ पर ट्रसेस तैयार हो रहे हैं। तो इस स्टैंड की ये अपडेट है, ये काफ़ी वीडियोस में मैं आपको नहीं बता सका अच्छे से, लेकिन आप इसमें देख लें कि स्टेयर्स भी बन गई हैं और ऊपर इन कॉलम्स को भी अब रेडी किया जा रहा है ताकि पूरे स्टेडियम में ट्रसेस जल्द से जल्द इंस्टॉल कर दिए जाए और उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो स्टेडियम का। इसी तरह इस स्टैंड की ये अपडेट है कि देखें यहाँ पर भी स्टेयर्स बनना शुरू हो गई हैं।